स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी ड्रीम जोन में। दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रॉइड से सारी पृथ्वी को साइंटिस्ट कैसे बचाते हैं, यह आपने बॉलीवुड में या हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, लेकिन भविष्य में यह सच होने वाला है। ऐसा आपसे कोई कहे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यह सच है। ऐसे ही एस्ट्रॉइड के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये कौन सा एस्ट्रॉइड है, कब पृथ्वी से टकराएगा, क्या यह पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर देगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से इसका क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल ने सदियों से हमें परेशान किया है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आकाश से आए हुए एस्ट्रॉइड से हुई है, ऐसा कईयों का मानना है। हमारा अंतरिक्ष ग्रह, तारे और एस्ट्रॉइड से भरा हुआ है, लेकिन पृथ्वी से बेहद करीब से एक एस्ट्रॉइड सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नासा ने इसकी स्टडी करने के लिए ओरेसिस रेक्स नाम का मिशन शुरू किया है। लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च यानी लीनियर के नियर अर्थ एस्ट्रॉइड सर्वे में 11 सितंबर 1991 के दिन एस्ट्रॉइड को खोजा गया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस एस्ट्रॉइड को नाम देने के लिए जो कंपटीशन लिया था, उसका विजेता एक 9 साल का बच्चा बन गया, जिसने इस एस्ट्रॉइड को बेनु यह नाम दिया। बेनु एक प्राचीन मिस्र के माइथोलॉजिकल बर्ड का नाम है। सूर्य की परिक्रमा कर रहा यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के काफी करीब से गुजरता है। साल 2016 को बेनु की स्टडी करने के मकसद से नासा ने ओरेसिस रेक्स मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में छोड़ा गया एक स्पेसक्राफ्ट बेनु पर लैंड करेगा और 7 साल के बाद यानी 2023 को बेनु के पृष्ठभाग से मिट्टी और चट्टानों का लगभग 60 ग्राम का सैंपल कैप्सूल में भरकर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। यह कैप्सूल अमेरिका की पश्चिमी उटाह रेगिस्तान में उतरेगा। इस सैंपल का साइज अपोलो मून लैंडिंग मिशन के बाद अंतरिक्ष से लाया हुआ सबसे ज्यादा मात्रा वाला सैंपल होगा। मिशन शुरू होने के 2 साल बाद यानी 2018 में हमें बेनु की नज़दीक से ली हुई तस्वीरें मिल चुकी है। इस मिशन की कुल लागत $800 मिलियन है यानी भारतीय रुपये में 55,552 करोड़ रुपये। इतना सारा पैसा खर्च करके साइंटिस्ट बेनु के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, यह सवाल आपके जहन में आया होगा। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, एक कार्बन युक्त एस्ट्रॉइड होने के कारण पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ, यह राज बेनु खोल सकता है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी भी बेनु पर ही हो सकता है। बेनु पर रिसर्च का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने इसका समावेश पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट श्रेणी में किया है, इसलिए भविष्य में बेनु की पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। 490 मीटर डायमीटर का यह एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकराया तो अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था उससे 76,000 गुना ऊर्जा निर्माण हो सकती है। पृथ्वी पर 9 रिश्टर स्केल इतना भूकंप का झटका महसूस हो सकता है। यह जहां गिरेगा वहां 5 मील चौड़ा और 2000 फीट गहरा गड्ढा बन सकता है। हालांकि पृथ्वी पर 70% पानी होने के वजह से यहां पर समुद्र में ज़्यादा गिरने की चांसेस बनते हैं। समुद्र में गिरने से खतरा टला, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो आप गलत हो दोस्तों। समंदर में यदि इतना बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा तो महाप्रलयंकारी सुनामी आ सकती है, लाखों लोगों का जीवन संकट में आ सकता है और पृथ्वी के पर्यावरण में बड़ा बदलाव हो सकता है। 23 सितंबर 2060 इस दिन बेनु पृथ्वी से सबसे नज़दीक यानी 7,50,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेनु की पृथ्वी से टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी 2,700 में से एक बार है और यह साल 2,175 और 2,199 के बीच में हो सकता है। इसके लिए अभी तो बहुत ही समय है, शायद हम तब तक SCIFI एस्ट्रॉइड ब्लास्टिंग वेपन्स बना लें और बेनु को अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर दें।
तो दोस्तों ये जो एस्ट्रॉइड है ये पृथ्वी से टकरा पाएगा, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको और दो वीडियोज़ दिख रही होंगी, वीडियोज़ देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बनी है।